रायपुर से जहां दिशा की बैठक ले रहे हैं सीएम, टीएस सिंहदेव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की अहम जानकारी रायपुर से, जहां 3 साल में पहली बार ये बैठक हो रही है। आपको बता दें टीएस सिंहदेव और सीएम इस बैठक में शामिल हैं। 40 योजनाओं की समीक्षा इस बैठक में होगी। दिशा की बैठक ले रहे हैं सीएम बघेल। ये बैठक 3 साल में हो रही है। इस बैठक में टीएस सिंहदेव शामिल हैं और 40 योजनाओं पर समीक्षा होगी। 3 साल में पहली बार ये बैठक हो रही है जहां 40 योजनाओं की समीक्षा होगी। दिशा की ये बैठक है जो 3 साल में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में टीएस सिंहदेव शामिल हैं। इस बैठक में 40 योजनाओं की समीक्षा होगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रायपुर से रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं, जो पॉलिटिकल एडिटर हैं। ये बताइए कि 3 साल बाद ये बैठक हो रही है, तो इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं होने वाली हैं? देखिए, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जिला स्तर पर दिशा बनी हुई है, दिशा कमेटी जिसको कहा जाता है, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति। पहले इसको निगरानी समिति कहा जाता था, अब इसको दिशा कहा जाता है। और अब नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री इसके प्रदेश के जो एपेक्स बॉडी होती है उसके हेड होते हैं। तो मुख्यमंत्री पहली बार ये बैठक ले रहे हैं, चूंकि ये परिवर्तन बाद में हुआ है, लिहाजा मुख्यमंत्री पहली बार चेयर कर रहे हैं। इस बैठक में उनके साथ स्वास्थ्य और पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य के आलाधिकारी मौजूद हैं, 2 सांसद ज्योत्सना महत, रामविचार नेताम, 6 विधायकों को इसमें शामिल होना था, 6 सांसदों को, लेकिन सभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की जा रही है, उसकी निगरानी में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बातें रखी जाएंगी। इसके अलावा जो ये पूरा जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को किस तरह से लागू किया जा रहा है, और इन तमाम विषयों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में जो सांसद हैं वो अपनी बात रखेंगे। हालांकि कुछ सांसद इस बात को लेकर के नाराज़ हैं कि जो ज़िला स्तर की कमेटी होती है, खासतौर से DMF फंड जो होता है उसके हेड होते हैं कलेक्टर, लेकिन कलेक्टर नहीं आए हैं सभी कलेक्टर्स, लिहाजा उनको भी बुलाना चाहिए था ताकि उनसे सवाल जवाब किया जा सके, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो सेंट्रल की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं 41 स्कीम्स, उन पर चर्चा फिलहाल चल रही है। तो देखिए, ये बैठक 3 साल बाद हो रही है, तो आखिर क्या वजह थी जिससे कि ये बैठक इससे पहले नहीं हुई और 3 साल बाद हो रही है? देखिए, इस संबंध में हमने अधिकारियों से बातचीत की, तो अधिकारियों का ये कहना था, उनकी ये दलील थी कि पहले इसका नाम निगरानी समिति था, बाद में इसका नाम बदल के दिशा बनाया गया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री इसको हेड किया करते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री को इसका हेड बनाया गया है, तो लिहाजा बाद में ये मौका मिला है कि मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करें। तो ये 3 साल का जो 3 साल की बात है वो बाद की व्यवस्था में 3 साल नहीं है। अब नई व्यवस्था में मुख्यमंत्री ये ज़रूर है कि पहली बार बैठक ले रहे हैं, तो कोरोना का बीच में समय था, करीब 2 साल का अंतराल, वो उसकी वजह से ये बैठक नहीं हो पाई, ये अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 3 साल इस सरकार को बने हो गए हैं, तो 3 साल में इसकी बैठक क्यों पहली बार हो रही है? जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी 40 योजनाएं हैं जिनकी समीक्षा इस बैठक में होगी। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता होती है, वो तमाम स्कीम करीब 41 के आसपास हैं। और ये ज़्यादातर स्कीम जो ग्रामीण विकास और पंचायत से संबंधित हैं, खासतौर से मनरेगा का इसमें जिक्र करना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली स्कीम्स हैं, महिला विकास को लेकर के चलने वाली स्कीम है, या PDS की जो व्यवस्था है, वो तमाम स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, स्पॉन्सर करती है या को स्पॉन्सर करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।